Hi guys, very good morning to all of you and welcome to Olipoda. I hope I am properly visible and clearly audible, right? चलिए बिहारी क्या हो गया, बहुत लेजी फील हो रहा है. अरे ऐसा क्या हो गया बिहारी? स्टार्ट रनिंग इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठो 4 o'clock एंड यू शुड स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 4 to 6. दो घंटे लगातार दौड़ो, ठीक है. यू विल बी फीलिंग एक्टिव फॉर कंप्लीट डे. चलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल अबाउट. दिस इज आदित्य एंड टुडे इज द स्पेशल सेशन फॉर योर आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन. आपके आरआरबी पीओ मेंस के लिए आज हमने स्पेशल सेशन रखा हुआ है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज हम कवर करने वाले हैं आज, जून एंड जुलाई, ठीक है. आप बोलेंगे सर बट हियर इट इज रिटन अप्रैल एंड मे. सर यहां तो अप्रैल और मई लिखा हुआ है एंड यू आर सेइंग जून एंड जुलाई. फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द यस्टरडे सेशन, फ्रॉम द लास्ट सेशन वाज रिमेनिंग, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे. सो इन द स्टार्टिंग विल डिस्कस देम एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द मंथ जून एंड जुलाई. उसके बाद हम क्या करेंगे, जून एंड जुलाई को कवर कर लेंगे. प्रैक्टिकली सेइंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जून. रीजन, ऑन जुलाई यू विल बी एबल टू फाइंड माई सेपरेट सेशन ऑन यूट्यूब. यूट्यूब पर एक मेरा सेपरेट सेशन मिल जाएगा आपको. यू हैव टू सर्च बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एमसीक्यूज ऑफ द मंथ जुलाई बाय आदित्य सर. तो जुलाई के ऊपर एक सेपरेट सेशन पड़ा हुआ है, ठीक है. बट रिवाइज करवाऊंगा जुलाई भी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज के आपके जून पर बेस्ड होंगे, स्टार्टिंग विद द अप्रैल एंड मे 2021. रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे कल बच गए थे उन क्वेश्चन को पहले कवर कर लेंगे, ठीक. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. हु इज द सीटीओ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब. आरबीआई इनोवेशन हब के सीटीओ का नाम बताइए सर. राजेश बंसल, एस के गोपाल कृष्णन, कृष्णन रामानुजन, अमित सक्सेना, एस रमन. कौन अपॉइंट हुए हैं सर? ऑप्शन नंबर बी, एस के गोपाल कृष्णन, एसबीआई अमित सक्सेना. वाह यार बहुत बढ़िया. इट वॉज अ टेस्ट एक्चुअली कि आज टीएनए नहीं हुआ तो आप लोगों ने अपने लेवल पर न्यूज कवर करी है कि नहीं करी है. वेरी गुड यार. सो करेक्ट आंसर है अमित सक्सेना. कल ही अपॉइंटमेंट हुआ है. राजेश बंसल सर इज द सीईओ ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब, ठीक है. दूसरा नाम है एस के गोपाल कृष्णन सर इज द चेयरमैन ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब. एंड मिस्टर अमित सक्सेना बिलोंग्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीटीओ ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब. तो सारे के सारे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सर आपके. नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंटर्ड इन टू द पार्टनरशिप फॉर 100 million euro इक्विटी फाइनेंसिंग इन द इंडियन स्मॉल बिजनेसेस दैट इज एसएमई सेक्टर पर फोकस करते हुए 100 million euro. अगर आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लोगे यूरो, सो डेफिनेटली विल बी एबल टू आंसर. आंसर विल बी व्हाट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक. यूजुअली बाकी सारी जगह से हमको लोन काय में मिलता है, डॉलर में मिलता है. जब बात आती है यूरो की, दैट वी गॉट द लोन इन टर्म ऑफ यूरो, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, आंसर मिल जाएगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑल्सो अनाउंस्ड 650 million euro का भी लोन इन्होंने प्रोवाइड किया था फॉर कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 650 million euro, ठीक है. यहां तक का पॉइंट क्लियर है. पुणे मेट्रो के लिए अमाउंट अगर याद हो तो बता दे. नेक्स्ट वन, हा लग्जमबर्ग इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक. नेक्स्ट है, नीति आयोग इन द कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोडमैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत. इस तरीके की एक रिपोर्ट जारी करी नीति आयोग ने. ये रिपोर्ट नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके बनाई है? तो करेक्ट आंसर है मास्टर कार्ड. सो नीति आयोग कोलैबोरेटेड विद मास्टर कार्ड टू इश्यू द रिपोर्ट ऑन डिजिटली इंक्लूसिव भारत. नेक्स्ट वन, तो मास्टर कार्ड इन न्यूज के सारे पॉइंट देख लेंगे सर. मास्टर कार्ड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उनको हम कवर कर लेते हैं, ठीक. माइक्रो मास्टर कार्ड है बेटा, मास्टर कार्ड है, ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, मास्टर कार्ड.
याद रखेंगे मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट किया है। चलिए मास्टर कार्ड रिलेटेड सारे पॉइंट देख लेते हैं। मास्टर कार्ड टाइड अप विद USAID, दैट इज यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, फॉर लॉन्चिंग प्रोजेक्ट किराना इन इंडिया टू हेल्प द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स इन इंडिया। After that, MasterCard launched central bank digital currencies. So RBI type of central banks in the different countries can do the experiment over the digital currency in the country. SBM Bank India and MasterCard partnered to facilitate cross-border remittance facility by using MasterCard Send. MasterCard Send का उपयोग करके cross-border remittance facility इंडिया में स्टार्ट की SBM बैंक ने इन कोलैबोरेशन विद द मास्टर कार्ड। RBL बैंक पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च पे बाय बैंक ऐप। ये बहुत रीसेंट का पॉइंट है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट इज रोजर पे कोलैबोरेटेड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च मैंडेट एचक्यू लॉन्च किया है फॉर द रिकरिंग पेमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who took charge as the 38th National President of FICCI FLO? FICCI Ladies Organization का President किसको appoint किया गया sir recently? FICCI FLO. Who took charge as 38th President of FICCI FLO? FICCI Ladies Organization. Ujala Singhania, Sangeeta Reddy, Manisha Singh, Janvi Phukan, Soma Mandal. So correct answer है आपके पास Ujala Singhania. इन्होंने replace किसको किया है? इन्होंने replace किया है Janvi Phukan को replace किया है. ओके, संगीता रेड्डी रिप्लेस्ड बाय हुम? संगीता रेड्डी को किसने रिप्लेस किया है सर? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? फिक्की के करंट प्रेसिडेंट का नाम बताइए। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इनका नाम है मिस्टर उदय शंकर रिप्लेस्ड संगीता रेड्डी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ फिक्की प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन, Which company has introduced digital foreign inward remittance advice? That is FIRA. FIRA. क्या है FIRA? Every individual, those are doing the inward remittance or outward remittance, end of the year they have to ask to their service provider, their payment provider, their bank, that we need the complete data or the complete statement of the remittances. हमको चाहिए वो। तो रेमिटेंस के लिए आपको उस स्टेटमेंट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है, मांगना होता है अपने सर्विस प्रोवाइडर से। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पेपाल मेड इज ऑटोमेटिक। इन्होंने क्या किया, FIRA को ऑटोमेटिक कर दिया है दैट इफ यू आर यूजिंग पेपाल फॉर द इनवर्ड रेमिटेंसेज, आप इनवर्ड रेमिटेंसेज मीन्स व्हेन यू आर रिसीविंग फंड फ्रॉम द फॉरेन नेशन, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रेमिटेंसेज। तो अगर आप इनवर्ड रेमिटेंसेज का यूज पेपाल के थ्रू कर रहे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा उसका स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। एक और बात याद रखिएगा, पेपाल हैज स्टॉप्ड डोमेस्टिक पेमेंट जो है इंडिया में इन्होंने रोक लिया सर। अभी इंडिया में डोमेस्टिक पेमेंट पर ये काम नहीं करते, दे आर जस्ट वर्किंग, पेपाल इज जस्ट वर्किंग ऑन द इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पे पूरा फोकस है। इंडिया में इन्होंने पेमेंट पूरा रोक लिया है। नेक्स्ट वन, पेमेंट सर्विस रोक दी है। विच हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड इन रेमिटेंस इन जुलाई इन 2020 बाई इंडिया, नॉट जुलाई, इन 2020 बाई इंडिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया को टोटल कितने रेमिटेंसेस प्राप्त हुए हैं वर्ष 2020 में? 65 मिलियन, 83 बिलियन, 102 बिलियन, 125 बिलियन एंड 132 बिलियन। कितना अमाउंट हुआ है? तो 83 बिलियन का अमाउंट रिसीव हुआ है इंडिया को जस्ट विद द ड्रॉप ऑफ 0.2%। इवन इन द पैंडमिक ऑल्सो जस्ट 0.2% के ड्रॉप से इंडिया को बाकी पूरा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, मतलब काफी पैसा आता है फॉरेन कंट्री से इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसीव द हाइएस्ट रेमिटेंस फ्रॉम एब्रॉड इन द ईयर 2020? विदेशों से पैसा ग्रैंड करने के मामले में, पैसा मिलने के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चाइना, इंडिया, मैक्सिको, जापान एंड फ्रांस। कौन सा कंट्री टॉप पर है? तो करेक्ट है इंडिया। इंडिया वॉज ऑन टॉप। इंडिया टॉप पर रहा है विथ 83 बिलियन रेमिटेंसेस। चाइना रिसीव्ड 59.5 बिलियन। चाइना ने 59.5 बिलियन रिसीव किया, वॉज ऑन सेकेंड पोजिशन एंड मैक्सिको वॉज ऑन थर्ड। तो इंडिया, चाइना, मैक्सिको फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नेक्स्ट वन,
how much fund has been approved by Union Cabinet for the implementation of PLI scheme for National Program for Advanced Chemistry Cell Battery Storage. अभी ग्रुप के ऊपर भी काफी लोग पिंग कर रहे थे, सर वी नीड द कंप्लीट लिस्ट रिलेटेड टू द पीएलआई विच हैज बीन अनाउंस्ड टिल नाउ, जो पीएलआई अभी तक अनाउंस हो चुके हैं सर उनसे रिलेटेड डेटा दे दीजिएगा एक बार पूरा. तो गाइस करेक्ट आंसर पहले तो यहां पर देख लें, फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 रुपए का अमाउंट अनाउंस हुआ, 18,100 रुपए का. अभी बहुत रीसेंट था आपका, अभी बहुत रिसेंटली जो आपका अनाउंस हुआ है दैट इज ऑटोमोबाइल सेक्टर. ऑटोमोबाइल सेक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर का. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका अमाउंट कितना है, 26,058 करोड़ रुपी इज द अमाउंट, 26,058 करोड़ रुपी इज द अमाउंट फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर, आउट ऑफ विच 25,929 is the amount for automobile, especially for automobile sector, and 120 crore is for drone industry. 120 crore is for drone industry. Drone industry के लिए कितना रखा हुआ है, 120 करोड़ रुपए का अमाउंट रखा हुआ है. ठीक है, यहां पर पहले आंसर यहां पर आपने देख लिया कि 18,100 करोड़ रुपए है. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 26,058, यहां पर ये कंप्लीट लिस्ट है आपके पास, you will be able to get it in the PDF. PDF में आपको ये मिल जाएगा. PDF you can download from where? From our group called GA Genius. हमारा जो ग्रुप है जैसे कहा जाता है GA Genius, आप सर्च कर लीजिएगा GA Genius on Telegram, you will be able to find the group, download the PDF from there. Just after the class I will be sharing the PDF there. बाकी सारे के सारे आपको यहीं पर मिल जाएंगे. टेक्सटाइल है, फूड प्रोडक्ट है, वाइट गुड्स है, स्पेशलिटी स्टील है, और यहां पर सारे के सारे सेक्टर्स आपके आ गए हैं. ठीक है, क्लियर है यहां तक. ऑटोमोबाइल के लिए इन्होंने पहले अनाउंस किया था ये 57,000 अनाउंस किया था ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अमाउंट आपका इंक्लूडिंग ऑटो कंपोनेंट्स, बट फाइनली इन्होंने जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अप्रूव किया दैट इज 26,058 करोड़ रुपी अनाउंस किया है, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट है, हाँ, टोटल 1.97 लाख करोड़ है, टोटल 1.97 लाख करोड़ है टोटल अमाउंट फॉर पीएलआई. नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड चैटबॉट ईवा सीएसई डिजिटल सेवा पोर्टल. करेक्ट आंसर एचडीएफसी बैंक. टाइम कम दूंगा मैं आप लोगों को आंसर करने के लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सो विल बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस. नेक्स्ट पॉइंट, एचडीएफसी अनाउंस्ड टू एक्वायर, ये बिल्कुल रिसेंट के पॉइंट बता रहा हूं, दिस मंथ और लास्ट मंथ, नॉट बियॉन्ड दैट. तो बिल्कुल आपके जो पॉइंट्स हैं सेप्टेंबर और अगस्त से मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको. एचडीएफसी लाइफ अनाउंस्ड 100% एक्वायर ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इट इज द बिगेस्ट एक्वायर इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टिल डेट. अमाउंट वॉज अप्रोक्सिमेटली 6,887 करोड़ रुपए का एक्वायर हुआ है. नाउ दिस कंपनी विल गेट मर्ज्ड इनटू एचडीएफसी लाइफ. एचडीएफसी बैंक डिवेस्टेड मतलब कि डिसइन्वेस्ट किया है 2% स्टैक इन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, द कॉस्टिंग अराउंड 2 करोड़ रुपए. एचडीएफसी बैंक एंड पेटीएम पार्टनर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन अक्रॉस द पेमेंट गेटवे सिंपली फॉर पीओएस सिस्टम, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पीओएस सिस्टम इन इंडिया. पेटीएम रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद एचडीएफसी बैंक. नाउ under this they are providing pay now buy later facility, easy emi solution or flexi pay facility, inhone pos pe provide kari hai. hdfc bank launches green and sustainable deposit in india. A question rises, first bank in india provided green deposit facility, which was the first bank in india provided green deposit facility. Green deposit ka matlab hota hai the deposit which are accepted by the bank will be utilized only for the green loans. Aise deposits jinka upyog sirf green loans ke liye kiya jayega. Green loans ka matlab hota hai the loans which are associated only with the renewable energy projects. To aise loan jo sirf renewable energy projects se associated ho unhe green loans kaha jata hai. Now next is dukandar overdraft scheme, it is also launched by HDFC bank. Theek hai,
चलिए, मेरा क्वेश्चन था कि इंडिया का पहला बैंक जिसने ग्रीन डिपॉजिट फैसिलिटी लॉन्च की थी, ग्रीन डिपॉजिट फैसिलिटी लॉन्च करने वाला पहला इंडियन बैंक, ऑप्शंस दे देता हूं चलिए आपको. वन ऑप्शन इज एक्सिस बैंक, वन ऑप्शन इज एक्सिस बैंक, सेकंड इज यस बैंक, सेकंड इज यस बैंक. एक हो गया एक्सिस बैंक, सेकंड हो गया आपके पास यस बैंक, थर्ड हो गया आपके पास एचएसबीसी, थर्ड हो गया आपके पास एचएसबीसी, बताइएगा. अब देखिए ध्यान से सुन ले, मैं लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा इस पॉइंट को बता दूं आपको. ग्रीन डिपॉजिट को, ग्रीन डिपॉजिट सिस्टम इन इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी, पता है आपको, फर्स्ट बैंक इन इंडिया. अगर पूछेगा फर्स्ट बैंक इन इंडिया, तो फर्स्ट बैंक इन इंडिया वॉज एच एस बी सी टू लॉन्च इट, फर्स्ट इंडियन बैंक. अगर फर्स्ट इंडियन बैंक पूछ लेगा आपसे, तो फर्स्ट इंडियन बैंक वॉज एक्सिस बैंक. पहला इंडियन बैंक कौन सा था, तो एक्सिस बैंक था. तो फर्स्ट इंडियन बैंक वॉज एक्सिस बैंक, फर्स्ट बैंक वॉज सॉरी नॉट एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये गलती से लिख दिया मैंने, यस बैंक. सो फर्स्ट बैंक वॉज यस बैंक टू लॉन्च इट, और फर्स्ट बैंक पूछेगा तो एचएसबीसी हो जाएगा, फर्स्ट इंडियन बैंक पूछेगा तो यस बैंक हो जाएगा आंसर. याद रखेंगे यस बैंक है, एक्सिस बैंक में मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, तो यस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए थे, एक्सिस बैंक ने, दैट इज व्हाई वी गेट कंफ्यूज. ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए थे किसने, वो लॉन्च किए थे एक्सिस बैंक ने, बट ग्रीन डिपॉजिट लॉन्च किया किसने, यस बैंक ने. चलिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आई चूज माय नंबर फीचर लॉन्च्ड बाय विच बैंक, करेक्ट आंसर है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. पहला बैंक है जिसने आपको फीचर दिया है दैट यू कैन सिलेक्ट योर अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ले. तो पहला बैंक है जिसने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है. पॉइंट्स क्लियर है सारे, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो गया वो ग्रीन 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 वाले में, ठीक है, होगा तो पूछ लेना, अभी क्लास चल रही है, मैं बता दूंगा, दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है. अजय खनवाल इज द सीईओ, बैंगलुरु इज द हेडक्वार्टर, 2006 इट वॉज फाउंड, पैसे की खबर इज द टैगलाइन. नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंक्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस विथ मार्शरिक बैंक, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन यूएई टू फैसिलिट द मनी ट्रांसफर फ्रॉम यूएई टू इंडिया. यूएई से इंडिया पैसे ट्रांसफर करने के लिए मार्शरिक बैंक के साथ इंडिया से किस बैंक ने कोलोबरेट किया है, करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक. फेडरल बैंक is the Indian based bank, Aluva Kerala is the headquarter of Federal Bank. UAE ke bank ke saath collaborate kiya hai for Quick Remit. Inke saath milkar launch kiya hai Quick Remit. Quick Remit is the remittance facility from UAE to India. Next one, which state government has announced to launch Gopa Bandhu Sambidhai ka Swasth Bima Yojana for journalist? Journalist ke liye kis state government ne abhi haal hi mein गोपा बंधु संबदाई का स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करी है. इसके साथ साथ रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ कमेटी, दैट कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम, जर्नलिस्ट रिलेटेड एक कमेटी बनाई है, उनके वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड एक कमेटी बनाई है, दैट कमेटी इज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम. दो क्वेश्चन आपके सामने, पहले का आंसर है उड़ीसा, पहले का आंसर है उड़ीसा. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ सेकेंड वन, कि रिसेंटली एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अशोक टंडन, वेरी गुड, मिस्टर अशोक टंडन इज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ कमेटी टू रिव्यू द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया. बिल्कुल करेक्ट है सर, एके टंडन, अशोक कुमार टंडन. नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ हॉस्पिटल नर्सिंग होम टू एक्सेप्ट द कैश ओवर, टू एक्सेप्ट द कैश अबव द लिमिट ऑफ हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट के ऊपर तक जो है कैश एक्सेप्ट किया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है. तो करेक्ट आंसर है अप टू 2 लाख रुपी, अप टू 2 लाख रुपी कैश कैन बी एक्सेप्टेड. इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर बजट इट वॉज अनाउंस दैट एनी वेयर यू कांट मेक द पेमेंट मोर देन 50,000 रुपी इन द फॉर्म ऑफ कैश. ये क्लियरली कहा गया था कि 50,000 रुपए से ऊपर का कैश पेमेंट आप कहीं पर किसी भी वेंडर के किसी भी शॉपकीपर के पास नहीं कर सकते, दैट विल नॉट बी लीगल. बट बिकॉज ऑफ द COVID-19 टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड दैट ओके यू कैन मेक द पेमेंट अप टू 2 लाख रुपी इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर द COVID-19 ट्रीटमेंट टिल 31st of May 2021. उसके लिए भी डेडलाइन रखा हुआ था. अभी इनकम टैक्स की बात करूं गाइस, सो पैन कार्ड लिंकिंग विथ आधार
which is the never ending process, iska jo deadline hai, that has been extended again one more time. I don't remember even how many times it has been extended, but ye ek aur baar extend ho gaya hai. The new deadline is what? The new deadline is March 31st 2021. To March 31st 2022 is the new deadline. ये आपके पास नया deadline आ गया, ठीक है. इसके बाद दो point और सुन लीजिएगा कि टैक्स की अगर हम बात करते हैं, सो अप टू 2.5 लाख रुपी इज टैक्स फ्री. अप टू 2.5 लाख रुपी इनकम टैक्स इज फ्री फॉर द एज ग्रुप अप टू 60. जिनका एज ग्रुप 60 तक का है उनके लिए अप टू 2.5 लाख रुपी टैक्स फ्री है. नाउ स्टूडेंट सेज मी नो नो सर, इट इज एक्चुअली 5 लाख रुपी तक टैक्स नहीं लगता है. नो गाइज, अप टू 2.5 लाख रुपी इज टैक्स फ्री. According to Income Tax Act 87A, एक स्लैब याद रखना, according to Income Tax Act 87A, 12,500 रुपी इज अ रिबेट. ये रिबेट प्रोवाइड किया गया है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोज हु आर अर्निंग अप टू 5 लाख रुपी. तो जिसका इनकम 5 लाख तक है उसको 12,500 का रिबेट मिल जाता है. So actually they are not paying any tax on the income up to 5 lakh rupee. ये करेक्ट है कि 5 lakh rupee तक tax नहीं देना पड़ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है. But the tax free limit is still 2.5 lakh. This is what the function of this rebate 87A. ठीक है, ये तो हो गया for the age group up to 60. Senior citizens की बात करें तो senior citizens होते हैं in between 60 to 80, 60 से 80 age group के बीच में होते हैं, वो होते हैं senior citizens. For them this limit is up to 3 lakh rupee. उनका tax free होता है up to 3 lakh rupee तक. And great senior citizens और most senior citizens वो होते हैं above 80. ये भी आपका SBI अप्रेंटिस के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन. रिसेंटली इन द SBI अप्रेंटिस एग्जाम दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन. फॉर देम अप टू 5 लाख रुपी इज टैक्स फ्री. उनका इनकम 5 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री होता है, ठीक है. उनका जो इनकम होता है वो कहां तक का टैक्स फ्री होता है? अप टू 5 लाख रुपी टैक्स फ्री होता है. तो स्लैब याद रखेंगे, अप टू 62.5 है. सीनियर सिटीजन को हम कैलकुलेट करेंगे 60 to 80, ठीक है. सीनियर सिटीजन को कैलकुलेट करेंगे 60 to 80, इनका 3 लाख हो जाएगा. और जो हमारे पास सुपर सीनियर सिटीजन है, ग्रेट सीनियर सिटीजन है, उनका एज होता है अबव 80 और इनका टैक्स फ्री लिमिट होता है अप टू 5 लाख रुपए. आगे मूव करते हैं. हाइपरवर्ज द AI प्रोडक्ट स्टार्टअप हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर द वीडियो बैंकिंग सोल्यूशन टू प्रोवाइड द डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स. डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स, बताइएगा. SBI, वेरी गुड यार, करेक्ट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड इन इंडिया. इंडिया में गोल्ड हॉलमार्किंग से रिलेटेड जो पॉइंट है, इनमें से क्या जो है पॉइंट वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, बहुत प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करें. माय फोकस इज नॉट ओनली ऑन द आरआरबी एग्जाम, आई एम पैरेलली टेकिंग द सेशन फॉर एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ आल्सो. तो ये आपका एसबीआई पीओ के लिए बनने वाला क्वेश्चन है. एसबीआई पीओ 2021 जब लिखोगे बेटा तब ये क्वेश्चन पेपर में रहेगा आपके पास, ठीक है. पहले तो आंसर देख लेते हैं, The deadline for mandatory hallmarking for the gold extended till 15th of June. 15 June तक के लिए इसको extend कर दिया गया है, ठीक? Extend कर दिया गया है. The committee headed by PC Moody has been informed to ensure the coordination and resolve the implementation of the issues. Issues को resolve करने के लिए PC Moody के chairmanship में committee बनाई गई. No sir, this is wrong. Actually, the committee was formed under the chairmanship of General. डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी जी के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई थी. आफ्टर दैट, आफ्टर द हॉल मार्किंग द गोल्ड ज्वेलरीज विल बी सोल्ड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 14 कैरेट 18 कैरेट एंड 22 कैरेट. तो 14, 18 और 22 कैरेट के फॉर्म में ज्वेलरीज को सेल किया जाएगा और इसको ऑलरेडी 15th of June से इंप्लीमेंट कर दिया गया है. It has been implemented in India from 15th of June 2021. Thoda relaxations diye gaye hain that with the time they can take some more time to implement it. But this system has been implemented in India already from the 15th.
ठीक है, 15 तारीख से इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है. नेक्स्ट वन, टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया हैज ग्रोन टू 10% टू हाउ मच अमाउंट इन द ईयर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर. तो इंडिया में जो टोटल एफडीआई आया है कितना परसेंट का एफडीआई आया है? करेक्ट आंसर है 82.22 बिलियन. 82.22 बिलियन का एफडीआई टोटल इंडिया में आया है. ठीक है, 82.22 बिलियन का टोटल एफडीआई आया है इंडिया में जी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विद द 10% इंक्रीमेंट. कितने परसेंट इंक्रीमेंट के साथ? 10% इंक्रीमेंट के साथ. विच कंट्री इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया? विच कंट्री इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर और बिगेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया? इंडिया के लिए सबसे बड़ा सोर्स एफडीआई का कौन सा कंट्री रहा? USA, UK, Mauritius, Russia और सिंगापुर. करेक्ट आंसर है सिंगापुर. सिंगापुर इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द लास्ट ईयर फॉर इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई. 29% एफडीआई जो है वो आपका बिलोंग 29% एफडीआई बिलोंग्स टू सिंगापुर. 23% यूएसए. यूएसए का 23% रहा है. सो यूएसए वॉज ऑन सेकेंड पोजिशन. Which state has received the FDI at 37% of total equity inflow in 2020-21? सबसे ज्यादा FDI किस राज्य को प्राप्त हुआ है भारत में? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. इनमें से कौन सा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा FDI मिला है? सर करेक्ट आंसर है आपके पास गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. गुजरात टॉप पर है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा मिनिस्ट्री, ये पूरा का पूरा डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग है. आरबीआई हैज अनाउंस टू ट्रांसफर हाउ मच अमाउंट ऑफ सरप्लस अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021. ठीक, आंसर बताइएगा. 99,122 करोड़. सो 99,122 करोड़ रुपीज द अमाउंट विच हैज बीन ट्रांसफर्ड आफ्टर मेंटेनिंग द कंटीजेंसी रिस्क बफर ऑफ 5.5%. 5.5% का कंटीजेंसी रिस्क बफर मेंटेन करने के बाद 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया गया. इट वॉज द इनकम जनरेटेड बाय आरबीआई एक्चुअली इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड दैट हैज बीन ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेक्शन 47 इसको नोट कर लेना. सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 अलाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक द सरप्लस अमाउंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दैट वाज रिकमेंडेड बाय बिमल जलान पैनल टू कीप द कंटीजेंसी रिस्क बफर एट 5.5% एंड ट्रांसफर द रिमेनिंग अमाउंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो कंटीजेंसी रिस्क बफर इज एक्चुअली हाँ, कंटीजेंसी रिस्क बफर इज एक्चुअली द अमाउंट मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इज द अमाउंट मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक सेकेंड वेट करिएगा. देखिए, एक कंफ्यूजन यहां पर किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर एक्चुअली रिसेंट डेटा में कर्नाटका आया है. सो दैट इज फॉर द क्वार्टर वन. ध्यान से सुन लीजिए, फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इट वाज गुजरात. ठीक है, फॉर द क्वार्टर वन ऑफ 2021-22 दैट इज अप्रैल, मई एंड जून, इसके लिए डेटा आया. इन दैट डेटा इट इज कर्नाटका ऑन टॉप. ठीक है, समझ में आया क्या? क्लियर है? हाँ, कंटीजेंसी रिस्क बफर बताया मैंने टू फाइट विद द फ्यूचर रिस्क ऑफ इन द फाइनेंशियल सिस्टम. आरबीआई जो फंड मेंटेन करता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी रिस्क बफर. उसको कंटीजेंसी रिस्क बफर कहा जाता है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, From 2021, RBI has changed its accounting year. The new accounting year of RBI is. RBI का नया accounting year क्या है सर? RBI का नया accounting year क्या है? अच्छा, आप RRBs का accounting year भी बताना मुझको. RRB का accounting year भी बताना.
रीजनल रूरल बैंक्स का भी अकाउंटिंग ईयर बताना है यार। हाँ, एक डेटा और नोट कर लेना यहां पर, WMA अपडेट हुआ था, 51,560 करोड़ इज द न्यू लिमिट ऑफ WMA, 47,000 से और ज्यादा इसको इंक्रीज कर दिया गया एंड द न्यू लिमिट इज 51,560 करोड़ रुपए। तो ये नोट कर लेना, ये कल लास्ट क्लास का अपडेट करना है, जस्ट अपडेटेड फ्रॉम द लास्ट क्लास। सो 51,560 करोड़ रुपीज द लिमिट ऑफ WMA। अकाउंटिंग ईयर देखें तो अकाउंटिंग ईयर है आपका अप्रैल टू मार्च, अकाउंटिंग ईयर है आपका अप्रैल टू मार्च, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। आरआरबी के लिए भी सेम है, सेम फॉर आरआरबी। एक्चुअली प्रीवियसली आरआरबी फाइनेंशियल ईयर वो जनवरी टू दिसंबर, मे बी यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। पहले आरआरबी का जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो जनवरी टू दिसंबर हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015 इसको चेंज किया गया है। नाउ द अकाउंटिंग ईयर इज अप्रैल टू मार्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च, तो ये सब अब आपके अप्रैल टू मार्च हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जून जुलाई पर आ गए हैं, हाफ एन आवर अप्रोक्सीमेटली हमने यहां पर ले लिया। बहुत पहले जरूर चेंज हो गया है बट स्टिल आरआरबी एग्जाम है, दे कैन आस्क यू द डेटा। आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015 कवर कर लेना, अगर नहीं पता होगा देन ड्रॉप अ मैसेज, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ 2 to 3 minutes ऑन दैट एंड आई विल रिलीज इट ऑन यूट्यूब, मैं बनाकर यूट्यूब पर डाल दूंगा, देख लेना, बता देना। पर आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट कवर करके जाना एग्जाम में, क्वेश्चन बनेगा वहां से। चलिए आगे बढ़ेंगे, जून एंड जुलाई 2021 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अप्रैल मई का कंप्लीट करवा दिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। डू नॉट फॉरगेट गाइज, इफ यू आर गोइंग टू यूज एनी टाइम ऑलिव बोर्ड वेबसाइट इन फ्यूचर टू बाय एनी प्रोडक्ट, द सुपर कोड विच यू कैन यूज इज आदित्य ADITYA, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट कोड to get 5% extra discount on the Olipboard website. Also, you can help me to suggest your friend to use this code. तो अपने दोस्तों को भी suggest कर दें यार, आप लोग बोलोगे तो आपके दोस्त मना नहीं कर पाएंगे सर। चलिए आगे बढ़ता हूं next point पर जी, universal code है आदित्य, correct है। According to the RBI report, fraud reported by banks has decreased by how much percentage in term of value के term में कितना percent decrease हुआ है। Okay, they can ask you in two terms guys, वो आपसे पूछ सकते number of cases decrease by and the total value decrease by, so bank fraud in term of value decreased by 25%, 25% से आपके bank fraud decrease हुए हैं, ठीक है। And in term of number of cases में 15% का decrement आया है, the number of cases decreased by 15%, while the total number of value decreased by how much percent, 25% decrease हुआ। अच्छा ये याद रखना, अभी एक और क्वेश्चन आएगा, मजे से उसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू मेजर द हेल्प हु लॉस देयर फैमिली अर्निंग मेंबर ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक under EPF, the maximum insurance benefit has been increased to EPF जो होता है आपका employee provident fund, इसमें life insurance cover provide किया जाता है, not accidental insurance, life insurance cover provide किया जाता है। previously the limit of this cover was 6 lakh rupee, it has been increased by 1 lakh, now the limit is 7 lakh, because of the COVID it has been announced, ठीक है, कोविड के कारण इसको अनाउंस किया गया है, तो 6 lakh को इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 7 lakh रुपी कर दिया है। नेक्स्ट, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, फेक 500 rupee नोट इन द सर्कुलेशन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट। देखो बैंक फ्रॉड्स जो हैं, दे आर डिक्रीज्ड गाइस, वो डिक्रीज हुए हैं, 25% डिक्रीज्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू एंड 15% डिक्रीज हुए इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ केसेस, बट 500 rupee फेक नोट इन द सर्कुलेशन हैज बीन इंक्रीज बाय 31% से आपके फेक नोट जो हैं वो मार्केट में क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ 7-member पैनल फॉर द स्टेट बेटर वैल्यूएशन ऑफ कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल रेस कोर्स एक्सेट्रा टू इंप्लीमेंट द जीएसटी ऑन देम. करेक्ट आंसर है नितिन पटेल जी के चेयरमैनशिप में बनाया गया था. नितिन पटेल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. टेल मी द चीफ मिनिस्टर नेम ऑफ गुजरात. गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर का नाम बताइएगा सर. हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम जीएसटी हैज मेड अ कमेटी टू डिसाइड द जीएसटी रेट ऑन कोविड 19 रिलीफ मटीरियल लाइक योर हैंड सैनिटाइजर एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. करेक्ट आंसर है के संगमा. And this committee has recommended to keep the GST at flat 5% for all the COVID-19 relief material. Ki 5% se upar aap na rakhein. Bhupen Patel, bilkul correct answer. Next one. Which bank appoints S.K. Majumdar as the chief financial officer with the immediate effect? Kis bank ne S.K. Majumdar ko apna chief financial officer appoint kiya hai? Canara Bank, Karnataka Bank, ICICI, Yes Bank, HDFC. Correct answer kya aapke paas? Canara Bank. Lingam Venkat Prabhakar is the MD and CEO of Canara Bank. Next one. Reserve Bank of India has taken out the public sector lender from corrective action framework to improve the financial and credit profile. Isme se kis bank ko bahar kar liya gaya hai PCA se, from corrective action se. To correct answer hai UCO Bank. Still two banks are there under PCA. That is IOB, Indian Overseas Bank and Central Bank of India. These two banks are recommended by Niti Aayog also for what? For the privatization by the government of India. Which company has signed the bank assurance pact with the Shivalik Small Finance Bank? Shivalik Small Finance Bank is the same bank, guys. Wahi ka wahi bank hai ye aapka. Headquarter batana iska mujhko pehle. So where is the headquarter of Shivalik Small Finance Bank? This is the same bank which has got the approval to convert from the small finance bank, from conversion from the cooperative bank to small finance bank. जिसका कन्वर्जन हुआ है कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में. सो भारतीय एक्सा ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है, भारतीय एक्सा ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है. सुवीर कुमार गुप्ता शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके सीईओ हैं. पराग राजा इसके एमडी एंड सीईओ है. किसके? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के. सहारनपुर यूपी इसका हेडक्वार्टर है. सहारनपुर उत्तर प्रदेश इसका हेडक्वार्टर है. विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ऑफर Swift GPI Instant Cross Border Inward Remittance Facility. पहला बैंक है जिसने की Swift GPI फैसिलिटी के साथ कोलॉबरेट किया इंडिया में. एंड विच बैंक रिसेंटली? अभी मैं इसी को हटाकर जो फर्स्ट बैंक जो है ना इसको हटाकर मैं कर दूं रिसेंटली, देन वॉट विल बी द आंसर. रिसेंटली विच बैंक हैज टाइड अप विद द Swift GPI? दे टाइड अप फॉर द मर्चेंट्स फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट. अच्छा, उस बैंक ने बहुत क्लियरली बोला है कि हमारा फोकस जो है वो मर्चेंट्स पर होगा, बड़े मर्चेंट्स पर, क्रॉस बॉर्डर बड़े पेमेंट्स के लिए. तो करेक्ट आंसर पहले यहां पर तो आईसीआईसीआई बैंक है. और रिसेंटली अगर बोला जाए तो रिसेंटली फॉर द बिग मर्चेंट्स, ठीक है, कॉरपोरेट हाउसेज, बिग कॉरपोरेट हाउसेज, इनके लिए स्विफ्ट जीपीआई फैसिलिटी आपका डी BS बैंक ने अनाउंस किया है सर. अभी रिसेंटली DBS बैंक ने अनाउंस किया है, ठीक है. संदीप बख्शी सीईओ हैं, 1994 में स्टार्ट हुआ था. ख्याल आपका टैगलाइन है. स्विफ्ट की बात करें तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है. फुल फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइज. हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेल्जियम. सीईओ हैं जेवियर पेरेज तासो, सीईओ हैं इसके. एंड यवर साह इज द चेयरपर्सन. इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1973 में बना था. इट इज आइदर 8 or 11 डिजिट कोड, वेयर फर्स्ट 4 डिजिट डिफाइंस बैंक कोड, नेक्स्ट टू डिजिट डिफाइंस कंट्री कोड, नेक्स्ट टू डिजिट डिफाइन लोकेशन कोड, एंड लास्ट 3 कोड्स आर ऑप्शनल. ये ऑप्शनल होते हैं विच डिफाइंस ब्रांच कोड. तो आखिरी के जो है वो ब्रांच कोड डिफाइन करते हैं और वो ऑप्शनल है. ठीक, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following insurance company has tied up with Microsoft to strengthen the automate quality control process? Quality control process को automate करने के लिए Microsoft के साथ recently tie up किसी किया है? किसने सर? ICICI Lombard ने. भार्गव दास गुप्ता is the CEO of ICICI Lombard. Headquarter is Mumbai. 2001 में formation हुआ था. Who among the following has launched the 6-module short films of IEPFA titled हिसाब की किताब? हिसाब की किताब नामक
छह शॉर्ट फिल्म निम्नलिखित में से किसने लॉन्च करी थी? पी चिदंबरम जी, अनुराग सिंह ठाकुर, निर्मला सीतारमन, यूके सिन्हा, अजय त्यागी। इट वॉज लॉन्च्ड बाय अनुराग सिंह ठाकुर। किसने लॉन्च किया सर? अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया था। सो इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के ऊपर बुक है। इट इज एक्चुअली हाउ द इन्वेस्टर्स कैन सेव देमसेल्फ व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर दीज सिक्स शॉर्ट मूवीज हैज बीन मेड एंड द टाइटल इज हिसाब की किताब। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट द जॉब प्रोस्पेक्टिव इन द स्टेट बाय सपोर्टिंग द नॉलेज वर्कर्स? करेक्ट आंसर इज केरला। केरला को डिस्कस करने के लिए सेपरेटली हमको एक सेशन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम्स लॉन्च्ड बाय केरला, वेरी वेरी ऑसम डेवलपमेंट स्कीम्स। Which organization has inked 2.5 million loan pact with the union government to upgrade the road infrastructure in Sikkim? Correct answer, Asian Development Bank. Matsat Sagu Asakawa is the president. Ashok Kumar Lawasa, vice president. ADB, Samir Kumar Khare, executive director, ADB. Manila, Philippines, headquarter. Next one. Who among the following has approved $500 million program to boost India's MSME sector? करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर इज वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। 27 दिसंबर 1945 वर्ल्ड बैंक वॉज फाउंडेड। एट प्रेजेंट देयर आर 189 मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। द लास्ट मेंबर विच वॉज इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक वॉज नॉरव। अंतिम सदस्य का नाम है नॉरव। डेविड मालपास इज द प्रेसिडेंट। कार्मन रेनहार्ड इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो कार्मन रेनहार्ड वाइस प्रेसिडेंट है। आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में चीफ इज इंडिया से कौन है? वर्ल्ड बैंक में कौन है एक बड़ा नाम इंडिया से, अ बिग नेम फ्रॉम इंडिया वर्किंग इन द वर्ल्ड बैंक? नाम बताइएगा। राजेश कुल्लर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसके अलावा पूछ रहा हूं, उनसे भी बड़ा नाम इन द वर्ल्ड बैंक फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वन, हु हैज वॉन इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड? अंशुला कांत। राजेश खुल्लर ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट अंशुला कांत। ओके, अंशुला कांत एंड गीता गोपीनाथ, हु बिलोंग्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन? अंशुला कांत एंड गीता गोपीनाथ, हु बिलोंग्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। दो ऑप्शन, दो नाम, बस मैच द कॉलम कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हूं मैं। हु हैज वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड 2021? करेक्ट आंसर है नितिन राकेश एंड जेरी विंड। नितिन राकेश एंड जेरी विंड, दे हैव रिटन द बुक ऑन ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। गीता गोपीनाथ आईएमएफ है, ठीक है। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो इनकी बुक का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। द बुक इज बेस्ड ऑन सर्चिंग और क्रिएटिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज एट द टाइम ऑफ कोविड एंड द टाइम ऑफ कोविड लॉकडाउन। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स चालू हुए, उन्होंने बेटर परफॉर्म भी किया एट द टाइम ऑफ कोविड, तो उसी के ऊपर लिखी गई बुक थी सर ये। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया? एचएसबीसी इंडिया के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है हितेंद्र दवे। करेक्ट आंसर है हितेंद्र दवे। अगर बात करें एचएसबीसी की, रिसेंटली मिस्टर रजनीश कुमार हैज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एचएसबीसी इंडिया एंड एशिया। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं सर रजनीश कुमार सर। विक्रमजीत सेन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। जेबी महोपात्रा सीबीडीटी चेयरपर्सन है। एमआर कुमार एलआईसी चेयरपर्सन है। विश्वेश्वर आहूजा सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक के सीईओ। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली एडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर? विश्व का पहला देश जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया, तो करेक्ट आंसर है अल सल्वाडोर। एंड दे ऑल्सो अप्लाइड इन आईएमएफ, उन्होंने आईएमएफ में भी अप्लाई किया था दैट प्लीज गिव द अप्रूवल टू बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर ऑफ अल सल्वाडोर। आईएमएफ सेड सॉरी, क्लियरली सेड सॉरी। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बैंक साइंड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर? करेक्ट आंसर हमारे पास एचडीएफसी बैंक के ऑलरेडी पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूं, आज के इस सेशन में डिस्कस किए हैं, तो उनको अच्छे से कवर जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, मिस्टर चंद्रशेखर घोष रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सो चंद्रशेखर घोष जो है
एमडेंट सीईओ अपॉइंट हुए। बंधन बैंक के आईसीआईसीआई बैंक ने अपॉइंट किया गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को एज द चेयरपर्सन, एलआईसी एमआर कुमार, आरबीएल बैंक विश्वेश्वर आहूजा, कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक सर रिसेंटली रीअपॉइंटेड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंड हेल्थ केयर कंपनी प्रैक्टो have joined hand to provide existing formal employees of the bank and their families the facilities of Practo. So correct answer is Indian Bank. Indian Bank also collaborated with BSNL. BSNL ke saath bhi inhone collaborate kiya, under which BSNL is providing the telecom services to Indian Bank on the competitive rates. Which bank has signed MOU with Sign IIT Bombay, a funding startup and MSME? तो साइन आईआईटी बॉम्बे जो है उसके साथ कोलैबोरेट अभी हाल ही में किस बैंक ने किया है? करेक्ट आंसर अगेन इट इज इंडियन बैंक। सो 50 करोड़ रुपी लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंडियन बैंक टू द स्टार्टअप्स विद द हेल्प ऑफ साइन आईआईटी। कोलैबोरेटेड विद द बीएसएनएल फॉर द टेलीकॉम सर्विसेज। आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास। आईबी नोट फैसिलिटी फॉर कंप्लीटली पेपरलेस वर्किंग एनवायरमेंट प्रैक्टो के साथ कोलैबोरेट किया है। So all the points related to Indian Bank. Next point. Central Section and Monitoring Committee has approved the construction of how many houses under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban? Under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. कितना amount जो है sir? कितना amount जो है उसको sanction कर दिया है Central Section and Monitoring Committee ने? Total amount which has been approved. Correct answer है 3.61 lakh. Houses, how many houses? Amount नहीं है, number of houses है. So 3.61 lakh houses has been approved. इतने houses approved हुए हैं. The total investment under this mission will be 7.35 lakh crore rupee. While the total budget allocation for Pradhan Mantri Awas Yojana is 27,500 crore. 27,500 crore का total budget allocation है. And 2015 में scheme आपका start हुआ था ये. Next one. Consider the correct statement related to the changes in rule related to the ATM withdrawals. One more question. Which committee recommended the changes in the transaction charges of ATM withdrawals in India? ATM withdrawals related, jo charges hain, usme change ke liye committee banai gayi thi. Who was the head of that committee? Bahut simple sa question hai. Aapse head pucha gaya committee ka. VG Kannan bilkul correct hai. यहां पर आंसर देखें सर, यहां पर आंसर देखें तो यहां पर हाँ 2002 ही तो है हाउसिंग फॉर ऑल। तो वीजी कनन जो है, वीजी कनन कमेटी करेक्ट है। आंसर देख लेते हैं, ओनली टू इज रॉन्ग। पहला पॉइंट करेक्ट है, इंटर क्या पूछा है यहां पर, करेक्ट स्टेटमेंट इंटर चेंज फीस। यार पहला वाला भी तो गलत होगा ना, पहला वाला भी गलत हो जाएगा आपका। रीजन क्या है, 15 रुपीज टू 16 रुपीज नहीं है, 15 रुपीज टू 17 रुपीज किया। या तो अच्छा ये मिसप्रिंट होगा, मान लो आप ये मिसप्रिंट मान लो तो 17 रुपीज होगा। चलो मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, अगर क्वेश्चन को हम स्किप भी कर दे तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इंटरचेंज फीस फ्रॉम वन एटीएम कार्ड टू अनादर एटीएम मशीन इफ यू आर विदड्रॉइंग द कैश द ट्रांजेक्शन फीस विल बी 17 रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाइल 5 to 6 rupees increase for the non-financial transaction with the effect from 1st of August 2021. All these instruction has been issued according to Section 10 and Section 18 of Payment and Settlement Act 2007. Payment and Settlement Act 2007 ke according isko issue kiya gaya tha. Point number 3 is also wrong. RBI Act ke according nahi hai. ATM transactions related rules jo change ho rahe hain, that has been changed according to Payment and Settlement Act 2007. NEFT, RTGS, IMPS, these rules also get changes according to Payment and Settlement Act 2007. तो ये दो पॉइंट यहां पर नोट करते हुए चलिएगा सर, यहां पर दो पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा सर। RRB Amendment Act is there in the complete course, definitely it was there in the complete course रवि, yesterday I took the session on it, कल 3 बजे क्लास लिया है मैंने, yesterday 3 PM session you should watch on all board edge. So it is there in the amendment act, has been discussed yesterday. ठीक है, कल ही discuss किया है. So committee to review the ATM interchange fees, that committee was formed under the chairmanship of VG Kannan. VG Kannan sir के chairmanship में committee बनाई गई थी. Next, which bank was on top according to the Forbes as a world best bank? Without any doubt we can answer DBS Bank is on top. Singapore is the headquarter.
पीयूष गुप्ता सीईओ मेकिंग बैंकिंग जॉयफुल। मैं भी अब सोच रहा हूं यार, अगर डीबीएस वापस बैंगलुरु जाऊंगा तो एक अकाउंट जरूर खोलूंगा डीबीएस बैंक में। ठीक है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है ना बैंक का फ्रॉम द लास्ट 4-5 years, डेफिनेटली वी शुड टेक द फैसिलिटीज फ्रॉम दिस बैंक। विच बैंक हैज लॉन्च द न्यू लोन प्रोडक्ट कॉल्ड कवच पर्सनल लोन। कवच पर्सनल लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? टू प्रोवाइड द लोन रिलेटेड टू द COVID-19 रिलेटेड ट्रीटमेंट, COVID-19 रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए। तो वही है आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 8.5% पर एनएम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जा रहा है अप टू 5 lakh rupees फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years। 5 साल के लिए लोन, 5 lakh rupees तक का लोन, 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो पर्सनल लोन 8.5 पर। यूजुअली पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 13-15 और 13-18% होता है पर्सनल लोन का। पेबैक इंडिया को किस कंपनी ने एक्वायर किया है? विच कंपनी एक्वायर्ड पेबैक इंडिया? करेक्ट आंसर है भारत पे। भारत पे रिसेंटली लॉन्च 12% क्लब, इन्होंने रिसेंटली 12% क्लब भी लॉन्च किया है, क्लब फॉर P2P लेंडिंग के लिए। कोलाबरेटेड विथ ICICI फॉर द नेक्स्ट 3 years फॉर द मार्केटिंग पर्पस। ठीक है, इनके साथ कोलाबरेट किया है। और कोई पॉइंट में भूल रहा हूंगा तो आप ऐड कर दीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर रहा हूं, अनीश ग्रोवर इसके सीईओ हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली है। 2018 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। घर घर राशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? एम्प्लॉई फंडेड स्कीम है घर घर राशन योजना, दैट इज लॉन्च बाय IDFC फर्स्ट बैंक। सो वी विद्यानाथन इज द सीईओ हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के चेयरपर्सन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, उनका नाम बताइएगा सर। द गोल्ड हॉलमार्किंग मेड मैंडेटरी फ्रॉम द 16th of June, इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन द फेज्ड मैनर इनिशियल इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री? शुरुआत में कितने जिलों में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? संजीव चौधरी, परफेक्ट यार, वेरी गुड। संजीव चौधरी इज द चेयरपर्सन ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड। अच्छा, 16th of June 2021 से गोल्ड हॉलमार्किंग कंपलसरी किया गया है इनिशियली इन द 256 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री, जो आपके 256 जिले स्टार्टिंग में है वहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। एंड ज्वेलर्स विद द टर्नओवर अप टू 40 lakh rupees एग्जम्प्टेड फ्रॉम द मैंडेटरी हॉलमार्किंग। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो है नो पेनल्टी विल बी चार्ज टिल ऑगस्ट, एग्जम्प्टेड किया गया है जितने भी ज्वेलर्स हैं जिनका टर्नओवर 40 lakh rupees तक का है। इट मींस जो स्मॉल ज्वेलर्स हैं उनको एग्जम्प्टेड रखा गया है इसमें से। विच बैंक इज इन द प्रोसेस टू इंप्लीमेंट द फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल फॉर द एम्प्लॉयज टू हेल्प द एम्प्लॉयज? तो करेक्ट आंसर है BOB। BOB इज प्लानिंग एक्चुअली, दे आर प्लानिंग एक्चुअली टू वर्क टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल्स टू देयर एम्प्लॉय। द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? इंडस इजी क्रेडिट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म। सुमंत कथपालिया इज द सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक, हेडक्वार्टर पुणे में है। 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। RBI has given the approval to which of the following company to set up a small finance bank by taking over PMC bank? PMC bank को take over करके small finance bank बनाने का approval RBI ने इनमें से किस organization को दिया है सर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, दो आंसर आ रहा है मेरे पास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इट इज सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जसपाल बिंद्रा लेड सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है, इट्स पार्टनर इज भारत पे। भारत पे के साथ कोलॉबरेट करके 1800 crore rupees इन्फ्यूज किए हैं पीएमसी बैंक में, एंड दे आर कन्वर्टिंग इट टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड हैज लॉन्च्ड कॉन्टेक्टलेस प्रीपेड कार्ड कॉल्ड शगुन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रुपए प्लेटफॉर्म? कॉन्टेक्टलेस प्रीपेड कार्ड गिफ्ट करने के लिए शगुन नाम रखा है उसका, और इसको किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है IDBI बैंक। अभी एक पॉइंट याद रखना, शगुन इंश्योरेंस पॉलिसी, आई एम रिपीटिंग अगेन, शगुन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च्ड बाय विच बैंक? अगर क्वेश्चन आ जाएगा शगुन इंश्योरेंस पॉलिसी जो था आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो किस बैंक ने लॉन्च किया, तो क्या आंसर करोगे? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट शगुन इंश्योरेंस पॉलिसी? नहीं, LIC नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एक्चुअली एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था शगुन इंश्योरेंस पॉलिसी। जी, एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया, एसबीआई लाइफ हैज लॉन्च्ड शगुन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। विच कंपनी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड फ्रॉम द रेगुलेटर IRDAI टू अंडरटेक द इंश्योरेंस ब्रोकिंग? करेक्ट आंसर है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार को इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल गया है, इंक्लूडिंग पॉलिसी बाजार। इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस हैज बीन गिवन टू फोन पे रिसेंटली। अभी रिसेंट में फोन पे को भी अप्रूवल मिला है इंश्योरेंस ब्रोकिंग का। तो ये भी याद रखिएगा, पॉलिसी बाजार एंड फोन पे बोथ रिसेंटली गॉट द अप्रूवल फ्रॉम IRDAI फॉर गाइज PDF। महेश, PDF विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन सिंपली सर्च GA जीनियस आदित्य सर on Telegram, you will be able to find my Telegram group. The PDF will be available on my group. Which bank has launched stack for the corporate? तो stack जहाँ पर भी word आता है ना, answer लगा देना ICICI bank, almost 99% cases में आपका answer सही होगा। अभी ICICI की बात करें, corporate India risk index launched by ICICI bank, Insta FX facility launch किया था ICICI bank ने, while FX for you, ये confusion होता है, ये काफी confusion होता है, मेरा marker गायब हो गया। तो एफएक्स, इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है ICICI बैंक ने, वाइल एफएक्स फॉर यू जो था वो लॉन्च किया था आपका किसने? कैनरा बैंक ने। तो याद रखेंगे, कैनरा बैंक ने लॉन्च किया था एफएक्स फॉर यू फॉर द रेमिटेंसेस। और इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है कस्टमर के फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के लिए। ICICI नियो रिसेंटली कोलैबोरेटेड फॉर ICICI नियो भारत पे रोल पेरोल कार्ड, देन पॉकेट डिजिटल वॉलेट फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विद NPCI। RBI इंपोज द पेनल्टी ऑफ 3 crore रुपी ऑन ICICI बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ वन कैटेगरी सोल्ड इन अनादर कैटेगरी। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज डेवलप्ड अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर मशीन डब्ड एज अ जीवन वायु मशीन डिलीवर्ड? सो करेक्ट आंसर IIT रूपर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, एक्चुअली इट वॉज अनप्लांड क्वेश्चन, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है, अनप्लांड था, इट केम विद द डेस्टिनी। तो इस पर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये मैंने प्लान नहीं किया था इस सेशन में, मिस्टेकनली इट केम टू द सेशन। तो ध्यान से पढ़ लो, ज्यादा ध्यान से पढ़ लो, IIT रूपर ने जीवन वायु नाम का मशीन जो है दैट विल बी डिलीवरिंग 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन, इसको बनाया है, IIT रूपर नाम है, ठीक है। दिस क्लास इज नॉट डेली, डेली क्लास टाइमिंग इज मॉर्निंग 8 o'clock, डेली क्लास टाइमिंग इज मॉर्निंग 8 o'clock। नेक्स्ट वन, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑन द डीप ओशियन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉर द डीप ओशियन मिशन फॉर द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों के लिए कितना अमाउंट है? 4077 crore फॉर द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों के लिए। आफ्टर दैट इन द फेज्ड मैनर द गवर्नमेंट विल स्पेंड, इन द फर्स्ट 3 year गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 2800 crore। सो 2800 crore रुपी विल बी स्पेंड इन द फर्स्ट 3 years, पहले 3 वर्षों में। टोटल 5 years के लिए अमाउंट रखा हुआ है सर, टोटल 5 years के लिए अमाउंट रखा हुआ है डीप ओशन मिशन में 4000 crore रुपी का। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द बजटरी सपोर्ट फॉर IDEXDO, दैट इज इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द नेक्स्ट 5 years, कितना अमाउंट अनाउंस किया है? 499 crore रुपी का अनाउंस किया है। टेल मी द नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो इज गोइंग टू कंडक्टेड इन विच ऑफ द विच स्टेट, फॉलोइंग हटा दो, किस स्टेट में अगला डिफेंस एक्सपो कंडक्ट होने वाला है सर? 499 करोड़ रुपी अमाउंट है डिफेंस सेक्टर में इनोवेशंस के लिए। डिफेंस एक्सपो अगला वाला कहां पर होगा सर? गुजरात में होगा, बहुत बढ़िया। विच बैंक लेड स्पॉन्सर नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और द बैड बैंक इज 12% स्टेक, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 12% का स्टेक एक्वायर किया है बैड बैंक में, या फिर कहें नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने? तो करेक्ट आंसर है कैनरा बैंक। आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ CEO of National Acid Reconstruction Company, नाम बताइएगा, National Acid Reconstruction Company के CEO कौन है? What is the rank of India in the assets of Swiss Bank last year? Swiss Bank में last year जो है
इंडिया का कितना एसेट था, मतलब क्या नंबर था इंडिया का। देखो यार, स्विस बैंक वगैरह की बात हो रही है, मेरा बैंक अकाउंट अगर थोड़ा सा भी बढ़ाना चाहते हो तो एक जरूर सपोर्ट कर देना। देयर इज अ कोड कॉल्ड आदित्य, यू कैन सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स टू यूज दिस कोड व्हाइल परचेसिंग एनी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स फ्रॉम द हॉलीवुड वेबसाइट। ठीक है, करेक्ट आंसर है 51st। इंडिया का पोजिशन रहा है 51st पोजिशन रहा है इंडिया का। सेंटर रिस्पॉन्डेड रिपोर्ट सेइंग इंडियन स्विस बैंक रेजेस बाई 20,700 करोड़ रुपी इन द ईयर 2020, हाईएस्ट लेवल इन द 13 ईयर्स। पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा पैसा भारतीयों का रहा है स्विस बैंक में। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया पोजीशन पर हम पहुंच गए स्विस बैंक में, पैसा बढ़िया बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, After that, British deposited 377 billion, American deposited 152 billion. याद रखिएगा, UK is on top. India का position 51st रहा, UK is on top. UK top पर रहा है। Next one, CBDT has announced as per the new, हाँ ये बढ़िया है, आधार को लिंक करने के लिए 30th of June कहा गया था, but now it will be 31st of March 2022. Now, after 31st of March 2022, if you will not link your Aadhaar card with the PAN card, government will be charging 1000 rupee penalty. 1000 ka penalty lag jayega aapke upar. Yaad rakhein. This penalty will be imposed according to section 234. According to section 234, ye penalty imposed kiya jayega. This section has been introduced in the budget 2021. Budget 2021 में ये section को introduce किया गया था. Now you have the deadline till 2022 March to link your Aadhaar card with your PAN card. CBSE collaborated with which of the following for the data science? Data science के लिए collaborate किसके साथ किया है? तो Microsoft के साथ collaborate किया था CBSE ने. मनोज आहूजा चेयरपर्सन है, दिल्ली हेडक्वार्टर है, 1962 में बना था, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। नेक्स्ट है, जुगारो कैपिटल हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द को लेंडिंग माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जुगारो के साथ कोलैबोरेट किसने किया है सर? बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोलैबोरेट किया है। टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप के साथ बीओबी ने कोलैबोरेट किया। ईज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म 2.0, बीओबी इज ऑन टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। एंटर्ड इन द पैक्ट विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस। आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय बीओबी। बैंक ऑफ बड़ौदा अनाउंस्ड टू लॉन्च बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। BOB is also working on the flexible working hour of their for their employees. अपने employees के लिए flexible working hours provide करने के लिए भी काम कर रहा है BOB. International Financial Service Center Authority formed a committee to examine the best practice of ship financing and leasing. Ship financing और leasing के लिए committee बनाई IFSCA ने। तो ये कमेटी किसके चेयरमैनशिप में बनाई गई? करेक्ट आंसर है वंदना अग्रवाल। अभी यहां पर कुछ और कमेटीज आती हैं आपके पास, जैसे वेरिएबल कैपिटल कमेटी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर केपी कृष्णन, केपी कृष्णन जी के चेयरमैनशिप में बनाई गई। इन्वेस्टमेंट फंड कमेटी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर नीलेश शाह, नीलेश शाह जो है ये म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी चेयरपर्सन है, याद रखिएगा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आंसर इज मिस्टर नीलेश शाह। एंड मिस्टर इंजेती श्रीनिवास इज द चेयरपर्सन ऑफ सीईओ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA के चेयरपर्सन का नाम है मिस्टर इंजेती श्रीनिवास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पेमेंट ऑफ व्हाट्सएप इन इंडिया। व्हाट्सएप पेमेंट्स का हेड इंडिया में किसको अपॉइंट किया गया है सर? व्हाट्सएप पेमेंट का हेड इंडिया में अपॉइंट किया गया है मनीष महात्मे को। After that, मनीष महेश्वरी ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर विनय प्रकाश हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवेंसेस ऑफिसर ऑफ ट्विटर। स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट किया है किसने? फेसबुक ने अपॉइंट किया स्फूर्ति प्रिया को। आई वॉन्ट टू नो द नेम, वन मोर नेम गाइज, व्हाट्सएप अपॉइंटेड द ग्रीवेंसेस ऑफिसर इन इंडिया। तो व्हाट्सएप ने जो अपना ग्रीवेंसेज ऑफिसर अपॉइंट किया है उनका नाम बताएं, उनका ग्रीवेंसेज ऑफिसर ऑफ व्हाट्सएप। पैरेलली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021।
परेश बी लाल व्हाट्सएप है, बहुत बढ़िया, परेश बी लाल व्हाट्सएप है, वेरी गुड. नेक्स्ट है, सो कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिल 2021. द बिल मेड द लॉ ऑफ 5 lakh rupee अंडर द अकाउंट होल्डर्स 90 days इन द इवेंट ऑफ मॉरेटोरियम इम्पोज बाय आरबीआई. ऑल्सो गवर्नमेंट ऑल्सो परमिटेड रेजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस बाय 20% इमीडिएटली, 30%, 50% विद द टाइम. बिल सीक टू इंसर्ट द न्यू सेक्शन अंडर DICGC Act 1978. क्या आंसर बनेगा यहां पर? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहां पर, फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट. द ओनली चेंज इट इज DICGC Act ऑफ 1961. अभी एक चीज और याद रखिएगा, ऑन ईच 100 rupee द इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज 10 paisa प्रीवियसली, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 12 paisa. तो 12 पैसा इज द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय DICGC ऑन द डिपॉजिट्स ऑफ 100 rupee. एंड द चेयरपर्सन ऑफ DICGC इज द अंकल जी ऑफ निकिता पात्रा मैम. निकिता पात्रा मैम के अंकल जी जो हैं वो DICGC के चेयरपर्सन है, उनका नाम आप लोग बता सकते हैं. ज्ञानधन इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म हैज रिसीव्ड an NBFC license from Reserve Bank of India with the aim to disburse how much amount of loan in the financial year 22. Correct answer is 650 crore rupee ka loan ye provide karne wale hain 2021-22 mein. Ankit Mehra is the co-founder and CEO of Gyandhan. Next one, Government of India set the loan disbursement target under Pradhan Mantri Mudra Yojana फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22. कितना लोन का टारगेट रखा है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 trillion का. गाइस, मुद्रा योजना इन इंडिया रेगुलेटेड एक्चुअली बाय SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर काम करता है. देर आर 3 categories ऑफ लोन. फर्स्ट वन इज कॉल्ड शिशु, सेकेंड इज कॉल्ड किशोर, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड तरुण. थर्ड वन इज कॉल्ड तरुण. लोन अप टू 50K प्रोवाइडेड अंडर शिशु, 50K टू 5 lakh प्रोवाइडेड अंडर किशोर, 5 lakh टू 10 lakh प्रोवाइडेड अंडर तरुण. यूके सिन्हा पैनल रिकमेंडेड टू इंक्रीज इट टू 20 lakh rupee, बट दैट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, एज ऑफ नाउ इट इज 10 lakh rupee ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है. इट वॉज द एंड ऑफ द सेशन गाइज. जुलाई के ऊपर एक और सेपरेट वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा. फॉर जुलाई यू विल बी एबल टू फाइंड अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑन यूट्यूब. जस्ट सर्च बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज जुलाई 2021 बाय आदित्य सर, आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड आदित्य और सजेस्ट द कोड. डोंट हेजिटेट इवन टू शेयर द कोड आदित्य विथ योर फ्रेंड्स. कभी हिचकिचाना नहीं, आदित्य सर को बुरा ना लगे, बिल्कुल नहीं लगेगा. करो आप, बिल्कुल बताओ, आप सबको बताओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो यार, थैंक्स अलॉट फॉर द ऑसम सपोर्ट गाइज. द PDF विल बी शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप. फॉर फाइंडिंग द टेलीग्राम यू कैन सिंपली सर्च GA Genius ऑन टेलीग्राम. GA Genius सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, GA Genius आदित्य सर, ये सर्च कर लोगे तो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. बहुत बेटा PDF बहुत है, अगर आप इतना PDF कवर कर लोगे. अगस्त और सितंबर का जो सेशन है आपका, अगस्त और सितंबर का सेशन, अभी आपका मंडे को सेशन रहेगा, मंडे 11 AM, टुमारो 11 AM वी विल बी कवरिंग बजट. कल कवर करेंगे बजट 11 AM पर. तो यूनियन बजट का सेशन है कल 11 बजे, डू नॉट मिस इट. सो टुमारो एट 11 AM विल बी कवरिंग दिस वन. एंड वेंसडे 11 AM विल बी कवरिंग ऑगस्ट एंड सेप्टेंबर. तो ऑगस्ट सेप्टेंबर आपका होगा वेंसडे 11 AM को. सेशंस बैक टू बैक हैं. आई विल बी मीटिंग यू बैक टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock इन आर डेली करंट अफेयर शो गाइस. टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑलिव बोर्ड. जय हिंद.